नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे यहां पर आज करहल सीट को लेकर। जी हां, उत्तर प्रदेश में क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं विधानसभा के, ऐसे में करहल सीट बेहद वीआईपी सीट है, या यूं कहें हम कि समाजवादी पार्टी का एक अवैध किला है यहाँ पर मैनपुरी। और मैनपुरी में जो विधानसभा सीट है वो है करहल। करहल कितनी महत्वपूर्ण है, इसके लिए मेरे साथ में मेरे सहयोगी गौरव हमारे साथ में है, जो कि आपको बताएंगे कि आखिर इस सीट पर सबकी नजरें क्यों होंगी। देखिए, करहल की अगर हम करहल विधानसभा सीट की बात करें तो करहल विधानसभा सीट हमेशा सपा के अनुकूल सीट रही है। मैनपुरी एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो एक समाजवादी कुनबा है, जो मुलायम सिंह यादव शुरू होता है और अखिलेश तक आ चुका है अभी, तो वो एक उनका सहपरी वहाँ गृह जनपद है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण सीट रही है क्योंकि घर का मामला है और समाजवादी पार्टी के लिए एक सेफ सीट ही मानी जाती है। फिलहाल अगर देखें तो अखिलेश यादव पिछले विधानसभा में 2022 वाले चुनाव में सेफ सीट की वजह से करहल चुने और उन्होंने जीत भी हासिल की, बड़ी बाजी से जीत हासिल की। अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। महत्वपूर्ण इस नज़रिए से है क्योंकि वहाँ अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो वहाँ बाहुल्यता है यादवों की, 1,30,000 के करीब यादव है, मुसलमान भी 20,000 करीब है, बघेल वोटर 30,000 करीब है, राजपूत वोटर हैं 60 के हैं, 60-50,000 करीब है, तो वहाँ निर्णायक भूमिका में जो है यादव है। वही समीकरण की अगर हम बात करें तो 1,70,000 के करीब यही हो जाते हैं, जिससे अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी वहाँ लीड की भूमिका में नजर आती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रभारी के तौर पर चंद्रदेव यादव को उतारा गया है, पूर्व मंत्री रहे हमारी सरकार में, और एक जातिगत समीकरण को साधते हुए भी प्रभारी के तौर पर उनको भेजा गया है ताकि यादव कहीं छिटक के ना जाए। उस सीट से अगर भाजपा की बात है तो भाजपा ने उप मुख्यमंत्री बीडीएस पाठक को जिम्मेदारी दी है। अब अभी आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री सीएम योगी ने अपनी टीम 30 बनाई थी तो जब ये विवाद चल रहा था सरकार बनाने संगठन का, तो उसमें उस सीट की जिम्मेदारी जसवीर सिंह के पास थी। जब विवाद सुलझा, दिल्ली में लोगों को तलब किया गया, आपसी मतभेद जो था वो खत्म किया गया, उसके बाद जब चीजें सवरी ठीक हुई तो उसके बाद महत्वपूर्ण सीट देखते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को उसकी जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसे में अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के लिए सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक अभेद किला, जैसे आपने कहा कि अभेद किला है, तो इस हिसाब से चीजें समाजवादी पार्टी के अनुकूल तो भले हैं लेकिन चुनौती भी उतना ही है क्योंकि देखिए आप, उस सीट पे एसपी सिंह बघेल का भी प्रभाव माना जाता है। बिल्कुल, और एसपी सिंह बघेल क्योंकि बघेल जाति के लोग, एसपी सिंह बघेल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से ही गए हुए एक नेता है, तो ऐसे देखिए समाजवादी उनके अगेंस्ट चुनाव भी लड़ा, भले ही हार गए लेकिन एक मजबूत कैंडिडेट है, उन्होंने बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीता, अभी मंत्री भी। तो चीजें देखे तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है समाजवादी पार्टी के लिए, हालांकि ये तो मतदाता डिपेंड करता है कि मतदाता किसे चुन के भेज दिया। आगे देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा में क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स आपने बताए हैं। हमारे साथ में इसी तरह यहाँ पंकज जी भी जुड़े हुए हैं जो कि हमें ये बताने वाले हैं कि बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि करहल सीट वीआईपी सीट तो है ही लेकिन क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव का नाम जुड़ा हुआ है। अगर बात करें यहाँ पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की, क्योंकि उनकी कर्मस्थली है मैनपुरी, ऐसे में करहल बिल्कुल कर्मस्थली है उनकी, और इसके साथ ही जो करहल सीट है वो इतना मजबूत गढ़ है समाजवादी पार्टी का कि वहां से सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जब आप बात मुश्किल है, नहीं मैं उससे भी ये बता रहा हूँ, जो अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति की जो शुरुआत की और विधायक के तौर पर पहला विधानसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव करहल से, तो करहल मतलब के बारे में आप कर सकती हो, जो समाजवादी पार्टी का मतलब सबसे जो गढ़ है मैनपुरी, और मैनपुरी का करहल सीट बहुत ही है, और 1993 के बाद जो अब तक जो चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी की एक बार भी हार नहीं हुई। एक बार 2002 के चुनाव में हार हुई थी, वो बीजेपी के प्रत्याशी से हार गए थे, लेकिन मजे की बात यह है जो वो बीजेपी प्रत्याशी था कुछ दिन बाद ही वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया और फिर वो लगातार वहां से 3 बार वो विधायक बने थे। तो करहल सीट काफी है, और देखिए करहल सीट की यह जो इस लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को जख्म मिला है ना, वो बीजेपी सूत समेत समाजवादी पार्टी से वापस लाना चाहती है। बिल्कुल, इसलिए ये जो सीट है, अगर इस सीट से बीजेपी जीत जाती है, वैसे समीकरण और ये सब समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन अगर बीजेपी जिस तरह से कोशिश कर रही है और जिस तरह से
चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, हर एक मुख्यमंत्री खुद लगे हुए हैं, दो सीट अपने पास रखे हैं, उप डिप्टी उप सीएम जो है उनको दो सीट, और इस तरह से जो हुआ है ब्रजेश पाठक को ये सीट दिया गया है जो ब्रजेश पाठक यहाँ पे, तो क्या है इस सीट को जीतने के साथ जहाँ ब्रजेश पाठक की प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। देखिये इस चुनाव में बीजेपी की प्रतिष्ठा मतलब बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा भी की प्रतिष्ठा, और उसके बाद जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो माहौल बन रहा था तो बीजेपी ने सभी को जिम्मेदारी दे दी, तो अब ब्रजेश पाठक की भी जिम्मेदारी है। हालांकि ब्रजेश पाठक के लिए भी कहा जाता है कि उनकी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में कोई बहुत ज्यादा नहीं बनती। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ जो उनकी भी प्रतिष्ठा दो पे, मतलब उनकी भी अग्नि परीक्षा, भले ही केशव प्रसाद मौर्य थोड़े मुखर दिखाई देते हैं लेकिन ब्रजेश पाठक के साथ में भी कुछ ज्यादा उनकी बन के सामने नहीं आई है। देखिए सभी की महत्वाकांक्षाएं वो आ रही, तो इस महत्वाकांक्षा को समझते हुए बीजेपी ने बोला जो भाई सब तुम लोग ये लो और पहले परफॉर्म करके दिखाओ। तो अब ये जो करहल सीट है ब्रजेश पाठक के, वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, फिर उस इलाके में उनकी थोड़ी पैठ भी मानी जाती है, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है करहल समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की गढ़ है, और देखिए इस चुनाव में अखिलेश यादव ने करहल सीट को छोड़ा, इन्होंने दे दिया अब चुनाव लड़ने के लिए तेज प्रताप को। एक तो तेज प्रताप एक कद्दावर नेता है, मतलब तेज तरार युवा नेता है, और इलाके में उनका बड़ा प्रभुत्व है और वो लगातार अपने क्षेत्र में काम बिल्कुल जब से ये बात कहीं ना कहीं सामने आई है कि उपचुनाव होने हैं उसके बाद से वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां तक मुझे लगता है कि अब उनको इंतजार है कि जैसे ही अधिसूचना जारी होगी उसके बाद आधिकारिक तौर पर उनके नाम की पुष्टि कर दी जाएगी, और वो उनके साथ एक और टैग लगा होगा तेज प्रताप, एक तो परिवार बिल्कुल परिवार के साथ में भी है, दूसरी बात लालू यादव के दामाद में, और इसको जब आपने परिवार के साथ बोला तो तेज प्रताप यादव वही हैं जो कन्नौज सीट से जहां से अखिलेश यादव इस बार चुनाव जीते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे इस सीट पे तेज प्रताप यादव की उन्हीं का नाम घोषित कर दिया गया था, बस पर्चा भरने का था कि लास्ट मोमेंट में जब कहा गया नहीं सो फ्रंट पे आके अब अखिलेश यादव को लीड करना चाहिए, अगर वो लीड करते हैं तो, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से खड़े हो गए थे आपको रायबरेली से, तो फिर ये मतलब सियासी मायने से अखिलेश यादव को ये क्षेत्र इस तरह से छोड़ना खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और प्रेजेंटेशन अगर लोकसभा में होता है तो अखिलेश यादव का होना चाहिए बिल्कुल, और साथ में गठबंधन में भी थी ना कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं उनका जाना जरूरी था, गठबंधन थी लेकिन देखिये जो आपसी सियासत भी होता है, तो उस सियासत से अगर अखिलेश राहुल गांधी नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से जीत के केंद्र की राजनीति अगर कर रहे हैं, केंद्र में जाने के लिए अगर केंद्र में आप खुला छोड़ देंगे तो समाजवादी पार्टी का जो परचम है, अगर आप सपोज कीजिए आज की तारीख में अगर अखिलेश यादव इसे नहीं होते, अगर सांसद के तौर पर नहीं होते और विधायक के तौर पर करहल से रहते, तो क्या इस तरह का प्रेजेंटेशन लोकसभा में हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। इसलिए नहीं हो पाता कि जिस मुखरता से जिस मृदुभाषी तौर पर कटाक्ष करते हैं अखिलेश यादव ना, आपने देखा आरक्षण के मुद्दे पे जब राहुल गांधी का ये पूछा गया था, जाति पूछा गया था, जाति क्या है जाति, तो उस समय देखिए किस तरह से अखिलेश यादव ने उससे पलटवार किया था, या फिर तीखा बोलते हैं तीखा बोलते हैं और ये देखने को मिलता है कटाक्ष, अच्छा कटाक्ष, मतलब उस तरह का प्रेजेंटेशन नहीं होता। तो इस रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने एन मोमेंट पे लोकसभा चुनाव लड़ने का पहले अखिलेश यादव का कोई प्लान नहीं था, अखिलेश यादव का ये प्लान था जो वो चुनाव प्रचार करेंगे, और बिल्कुल आजमगढ़ सीट छोड़कर उन्होंने करहल से चुनाव लड़ाए 2022 में, 2019 में आजमगढ़ से वो जीते, 2022 में उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, उसके बाद 2024 में अब लोकसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने फिर वो सीट छोड़ी और उसके बाद चुनाव तो वो एक सियासी रणनीति के तहत लास्ट मोमेंट, तो तेज प्रताप को मतलब तेज प्रताप पूरी तैयारी कर चुके थे, बस नॉमिनेशन पर्चा भरना था ये, तो अखिलेश यादव ने उनको भाई, लेकिन अखिलेश यादव कहीं ना कहीं फायदे में रहे क्योंकि उन्होंने आधा टाइम उन्होंने यहाँ प्रदेश की राजनीति में दे दिया, अब बाकी टाइम वो यहाँ की राजनीति में दे दिया। वो तो मुलायम, उनको तो पैतृक रूप से और इस रूप से वो मतलब राजनीति उनको सियासत में मिला, हाँ बीच में मुलायम सिंह के थोड़े से अस्वस्थ होने के बाद विधानसभा की बात करें, विधानसभा में उन्होंने क्योंकि देखिए 2022 में चुनाव हुआ है, ज्यादा वक्त अब नहीं है आगे, तो 2022 में तो उससे पहले तो वो सांसद केंद्र में थे, देखिए आजमगढ़ से जीते थे केंद्र में वो तब भी पहुंचे, देखिए उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में फर्क है, बिल्कुल फर्क है। तो मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ, उनका जो स्ट्रेटजी था, जो अखिलेश यादव जाते हैं, अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का, तो तेज प्रताप यादव को नॉमिनेशन मतलब
वो वापस होते हैं, उनका जो उनके चुनाव लड़ने से उनको मना मतलब करता है जो भैया आप नहीं, आप इंतजार कीजिए, तो उस इंतजार का अब उनको फल मिलने वाला। कर्जा उतार देंगे इस बार तेज प्रताप यादव को चुनाव में, उनके भतीजे हैं, क्यों ना उनके लिए फैसला लेंगे। और देखिए एक पंदो पांच काम हो रहा है ना, जो तुम लालू यादव के दामाद भी हैं, बिल्कुल, तो उस तरह से लालू यादव को भी बैलेंस कर लेंगे इंडिया गठबंधन में, और जो कम से कम समाजवादी पार्टी आरजेडी का जो गठबंधन है उसको और मजबूती बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए मैनपुरी को लेकर एक बात तो साफ है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी को हराना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन बीजेपी इस चुनौती का सामना कैसे करेगी, उसके पास ऐसे कौन से चेहरे हैं जिनको वो इस करहल चुनाव में उतार सकती है। देखिए बीजेपी के लिए चुनाव कोई भी चुनाव जितना बीजेपी चेहरा पे नहीं जीतती, बिल्कुल उनका चेहरा एक ही है, केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, यूपी में योगी, केंद्र में मोदी, यूपी में योगी, ये है फंडा। अब है जो बीजेपी का ये जो चुनाव जीतना है, तो बीजेपी सबसे पहले ये लोगों के दिमाग में, उत्तर प्रदेश के लोगों में सीएम योगी और जो नेता है ये समझाने में जुटे हुए हैं, जो देखिए इंडिया गठबंधन वाले या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो इस तरह की उनको जीत जो मिली है वो बस एक तुक्का लग गया, वो बीजेपी की कुछ गलतियां रही उसके कारण, मतलब समाजवादी पार्टी जीती नहीं है, बीजेपी अपनी गलतियों के कारण हारी है, तो बीजेपी अगर उस गलतियों को दुरुस्त कर लेती है तो बीजेपी जीत जाएगी। तो इसमें जो बीजेपी का है, जो मतलब जितने भी लोग चुनाव प्रचार में हैं, हर एक मतलब बूथ लेवल पे मैनेजमेंट उनका रहा, बूथ लेवल के हर कार्यकर्ता को या उनके जितने भी सपोर्टर सबको बताया जा रहा है जो आप जो केंद्र की नीति है, योगी सरकार की नीतियां हैं उनको बताइए, और ये जो है आरक्षण पे जो ये लोग बोल रहे हैं, जाति जनगणना पे जो बात बोल रहे हैं, संविधान परिवर्तन पे जो बात बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और इतना ही नहीं, वो देश के किसानों के साथ भी झूठ बोल रहे हैं, जो उन्होंने ये बोला जो भाई 8,500 रुपया महीना मतलब 1,00,000 रुपया हम आपको सालाना देंगे, तो ये सब फर्जी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और बीजेपी है, बीजेपी इस तरह की वादे नहीं करती, बीजेपी जो वादे करती है उसको बीजेपी पूरा करती है, तो बीजेपी ये करेगी बिल्कुल। तो मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं को उनके पास ले जाना है, इंडिया गठबंधन मतलब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को झूठा बताना है, बस उनका है जो लोगों के दिमाग में ये कीजिए, और हिंदुत्व का जो मामला है उस पे आप बने रहिए। लेकिन देखिए मैनपुरी एक ऐसा लोकसभा इलाका है जहां पर पीडीए के नारे की जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी को उतरने के लिए, तो ये कहना कि बीजेपी अपनी गलतियों से हारी। हम बाकी सीटों के समीकरणों की बात करें जो बीजेपी के पास में थी या और जो सीटें हो सकती थी उस पर जरूर हम इस कहीं ना कहीं मुद्दे को बैठा सकते हैं, लेकिन अगर हम मैनपुरी यानी कि समाजवादी पार्टी की गढ़ की बात करें तो वहां पीडीए के नारे की जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी को चुनाव में लड़ने के लिए या जीतने के लिए, तो बीजेपी को अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बदलनी पड़ेगी अगर उसे करहल में जीतना है। देखिए करहल में अगर जीतना है तो लेकिन बीजेपी नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि राजनीति में कुछ नामुमकिन नहीं होता है, बिल्कुल आप बता ही रहे थे 2002 में सोबरन सिंह थे जो कि बीजेपी के टिकट से जीते थे। हो सकता है करिश्मा हो सकता है, और करिश्मा पे उम्मीद पे होने को कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया, और बीजेपी का ये दावा है जो हम 10 में से 10 सीट जीत के हमको परफॉर्म करना है, है ना, 50-50 वाला मैच 2022 जब आजमगढ़ जीत सकती है बीजेपी, पहले तो भले इस बार हार गई लेकिन पहले जीता तो है, तो जाहिर है कि करहल पर भी अगर बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में थोड़े बदलाव करे तो हो सकता है कि उसके पाले में वो सीट आ जाए, लेकिन फिलहाल मुश्किल लग रहा है, देखना होगा कि आगे क्या होगा। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ स्टेट की तरफ से, धन्यवाद।